अब हमारे टेप वाले जो टेप बेसिकली टेप का क्या काम होता है, क्या हेल्प करता है? देखिए अक्सर आप लोगों को देखती होंगी जब आयशा रोज लगाते हैं तो वो इधर उधर तक चोंचे बना देते हैं, वो ऐसे करते हैं। दोबारा से बताओ इधर इधर क्या? ऐसे ट्रायंगल चोंचे बाहर आ रही होती हैं ऐसे इधर उधर। हाँ इधर जाऊँ? अच्छा इस आंख पे दिखाओ क्योंकि ये तुम्हारे आंख तुम्हारा हाथ पड़ेगा। सो ये जो है वो ऐसे करके ना चोंचे निकाल लेते हैं, ब्लेंड नहीं होते उनसे, कॉर्नर्स बाहर निकल आते हैं, तो ये उनके लिए इजी रहता है कि ये ऐसे करके उन्होंने ऊपर देखो बेटा ऐसे करके एक टेप लगा ली। अब ये टेप क्या करेगी बेसिकली, तुम बिल्कुल वैसे ही बोंगा मेकअप करना जैसे हम करते हैं। हाँ हाँ, अब आपने रफ हाथ चलाना है, ठीक है? ये आपने ले लिया एक मैट शेड, कोई पीच या ब्राउन। एक मिनट, मैं प्लीज मेरे कैमरामैन थोड़े स्लो कट करते हैं, सबको मेकअप कोर्स कराऊं मैं। हाँ ये ठीक सही है, पीच है या ब्राउन है कुछ भी आपने ले लिया, ठीक है? हाँ, और आपने ये रफ, ये देखें मेरा हाथ बाहर चल रहा है, ठीक है? बट बिकॉज ऑफ द टेप वो चोंचे नहीं बनेंगी, ठीक है? सही है। हाँ, वो मतलब टेप के ऊपर ही आएगा, उसके बाद तुम टेप उतार दोगी। हाँ, और वो एक प्रॉपर एक लाइन। अब मैंने ये सॉफ्ट कलर से बना लिया, अब मैं ये इसी उससे थोड़ा सा डार्क शेड ले रही हूँ, ठीक है? ये तुम सेफ मेकअप सिखा रही हो ना? हाँ हाँ सेफ। अब मतलब आपने देखिए हम नीले पीले पे नहीं जा रहे क्योंकि जिसको मेकअप नहीं आता खुददारा वो नीला पीला हरा यूज ना करे। ये मैंने दो शेड लगा लिए, अब इसी के अंदर से एक शिमरी शेड लगा के हाथ में, हाँ फिंगर से मैंने ये इसको थोड़ा सा लिफ्ट किया, ठीक है? मतलब तूने मैट से वो चीजें लाइनें बनाई है जो डेप्थ। अब आप देखें, अब टेप उतारो की ओके और दोबारा से अगर हल्का सा फाउंडेशन हिल गया है हाँ। तो आप उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें। अच्छा, बहुत सारे लोग पहले आई मेकअप करते हैं फिर बेस लगाते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है बीनेश कि ये टेप वाली चीज हम पहले बेस लगाने से पहले आई मेकअप कर लें? मैंने तो प्रोग्राम की वजह से बेस नहीं, लेकिन मैं तुमसे मशवरा मांगू, बेस अगर हल्का सा हटता भी है तो जैसे देखें मैंने फिक्स कर लिया ब्यूटी ब्लेंडर से, सो यू कैन ऑलवेज फिक्स इट, इतना ज्यादा हटता नहीं है और बेकिंग कर लें ज्यादा। जैसे जिनको मेकअप नहीं आता ना उनको बेस के बगैर फिर आई मेकअप समझ भी नहीं आता है ना, तो बेशक मैं पहले बेस करती हूँ, ब्लश ऑन भी करती हूँ और फिर आई मेकअप क्योंकि इंटरफेरेंस वाला करती हूँ तो गिरता नहीं। मेरे लिए तो हमेशा मतलब मेरी आदत इस वजह से बेस पहले करने की है। मैं मतलब जो वजह जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ वो ये है कि आपको टाइम मिल जाता है, आपकी बेस को टाइम मिल जाता है आपकी स्किन में सेटल डाउन होने में। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर बेस में कोई प्रॉब्लम हो रही है खास तौर पे आपके क्लाइंट पे या जो भी है, आपको अपना बेस सही नहीं लग रहा, कहीं से जो है वो ड्राई हो रहा है, पैची हो रहा है, क्रैक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जब तक आप अपना आई मेकअप करोगे और यू नो लाइक सारी चीजों खत्म करके लिप पर आओगे आपको अपनी बेस का पता लग जाएगा।